see the stellar system and its evolution. First, the term has stele. It is also called primary vascular system or sometime called vascular cylinder. ठीक है, जो term है, जो stele term है, it is mainly used for lower plants, mainly pteridophyte. ठीक है, higher जो plants हैं, angiosperm है, gymnosperm है, वहाँ पर हम simply vascular system term use करते हैं, लेकिन जो lower plants हैं, जैसे pteridophyte है, यहाँ पर हम term use करेंगे stele या primary vascular system या vascular cylinder. ठीक है, जो stele है in lower plants, it is start mainly from endodermis. Endodermis followed by pericycle, followed by phloem and xylem and pith also. But according to some scientist, जो endodermis है, it is not the part of stele. It is the part of cortex. But according to some other scientists, it is the outermost layer of your stele. It is the outermost layer of stele. ये stele की ही outermost layer है. ठीक है? So, यहाँ पर थोड़ा सा इसमें controversy है. ठीक है? तो stele क्या होती है? Simply, it is the simply vascular system. Vascular system की ही term है, जो हम lower plants, जैसे pteridophyte है, इसमें use करते हैं. इसकी अगर टाइप्स की बात करोगे तो इट इज़ मेनली टू टाइप्स की होती है, प्रोटोस्टील एंड स्फिनोस्टील्स. प्रोटोस्टील एंड स्फिनोस्टील्स. जो प्रोटोस्टील होते हैं, ये प्रिमिटिव टाइप की स्टील्स होती है. ठीक है, इट इज़ फर्दर डिवाइड इनटू हैप्लोस्टील, एक्टिनोस्टील. जो स्फिनोस्टील है, इसको भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक्टोस्टील एंड एम्फीफ्लोइक स्टील. ठीक है, मैं इसको नोट से समझाता हूँ. यहाँ पे देखो, नोट्स में देखो, मतलब बोर्ड पे ऐसा ही, ये बोर्ड ऐसा ही है. ठीक है, जैसा अरेंज हो पाया. देखो, जो स्टील टर्म है, किसने इंट्रोड्यूस की थी? वान टीगम एंड डोलिट ने. ठीक है, बाकी सब इसमें सेम है. स्टार्टिंग में एंडोडर्मिस पे मैंने बताया कि कॉन्ट्रावर्सी है. टाइप्स दो टाइप्स की हैं, प्रोटोस्टील्स और स्फिनोस्टील. स्फिनोस्टील्स, ठीक है. जो प्रोटोस्टील है, ये सबसे सिंपलेस्ट एंड मोस्ट प्रिमिटिव टाइप है. सी हेयर, द प्रोटोस्टील इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ स्टील. जो प्रोटोस्टील है, इसमें पिथ अब्सेंट होती है. ठीक है, मेन डिफरेंस जो है प्रोटोस्टील और स्फिनोस्टील में, वो क्या है? पिथ का. इन प्रोटोस्टील पिथ इज एब्सेंट, इन स्फिनोस्टील्स इट इज प्रेजेंट. सो पिथ नहीं है तो सेंटर में क्या होगा? यहां पे जाइलम फॉलोड बाय फ्लोएम फॉलोड बाय पेरिसाइकल एंड एंडोडर्मिस. ठीक है, पेरिसाइकल के बाहर क्या होगी? ऐसे एंडोडर्मिस. इसको हम रोटेट लेंस इसलिए शो कर रहे हैं क्योंकि मैंने बताया था स्टार्टिंग में, इस पर कॉन्ट्रावर्सी है कि कुछ साइंटिस्ट इसको स्टील का पार्ट मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं. जबकि जो स्फिनोस्टील है, जो वर्ड साइफोन है, इसका मतलब ये पाइप होता है. ठीक है ना, तो यहाँ पर सेंटर में क्या मिलेगी आपको? पिथ मिलेगी, फॉलोड बाय बाकी सब सेम है, जाइलम फ्लोएम, उसके बाहर एंडोडर्मिस, उसके बाहर सॉरी उसके यहाँ पे पेरिसाइकल फॉलोड बाय एंडोडर्मिस. सो जो प्रोटोस्टील है, इसको हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, हैप्लोस्टील एंड एक्टिनोस्टील्स. मैं पहले प्रोटोस्टील को कंप्लीट कर देता हूँ, उसके बाद हम स्फिनोस्टील्स पे और उसके टाइप्स पे आएंगे. सो फर्स्ट सी प्रोटोस्टील. देखो, सिंपलेस्ट मोस्ट प्रिमिटिव होगी, सेंटर में सॉलिड जाइलम है, फॉलोड बाय फ्लोएम, फॉलोड बाय पेरिसाइकल. किस में मिलती है? मेनली जितने भी टेरिडोफाइट्स हैं, उसकी जो जुवेनाइल स्टेज है, जो स्टार्टिंग की जो स्टेज होती है, मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स में ये जूनियर स्टेज में मिलती है. अडल्ट की बात करोगे तो स्पोरोफाइट ऑफ मैन टेरिडोफाइट्स लाइक लाइकोपोडियम, स्लेजनेला, शिलोटम, इनमें मिलती है मेनली. हम देखो यहाँ पे टर्म यूज कर रहे हैं अडल्ट स्पोरोफाइट, क्योंकि जो स्टीलर सिस्टम है, ये स्पोरोफाइट में होता है. इट इज नॉट फाउंड इन गैमेटोफाइट. गैमेटोफाइट में वैस्कुलर सिस्टम नहीं होता है. किस में होता है? स्पोरोफाइट ओनली.
सो इसलिए हमने यहाँ पे टर्म यूज़ की है अडल्ट स्पोरोफाइट। जो जुवेनाइल स्टेज है उसमें मोस्टली मिलती है, लेकिन जो स्पोरोफाइट जो अडल्ट स्टेज है उसमें सिलेक्टेड स्पीशीज़ हैं, जैसे लाइकोपोडियम है, स्लेजेनेला की कुछ स्पीशीज़ हैं, शिलोटम है इसकी कुछ स्पीशीज़ हैं, इन सब के अंदर मिलेगी आपको प्रोटोस्टील्स। इसकी दो टाइप्स होती हैं, हैप्लोस्टील्स और एक्टिनोस्टील्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डायग्राम, देखो ये डायग्राम मैं आपको मैसेज कर दूंगा। दिस इज द डायग्राम फॉर प्रोटोस्टील। जो प्रोटोस्टील है इसको समटाइम हम हैप्लोस्टील और प्रोटोस्टील में कोई ज्यादा डिस्टिंग्विश नहीं है, इसके लिए मैं एक दूसरा डायग्राम दिखाता हूँ। सी हेयर, ये डायग्राम देखो, इसमें आपको पैचेस दिखाई दे रहे हैं, पैचेस, ठीक है ना, ये पैचेस दिखाई दे रहे हैं। अभी अभी इसको दोबारा से इस पे आओ, देखो सिंपल जो प्रोटोस्टील है सेंटर में आपका क्या हो गया, जाइलम फॉलोड बाय फ्लोएम फॉलोड बाय पेरिसाइकल फॉलोड बाय एंडोडर्मिस। ठीक है, सिंपली प्रोटोस्टील्स। प्रोटोस्टील्स को ही हैप्लोस्टील्स बोलते हैं अकॉर्डिंग टू सम साइंटिस्ट, लेकिन कई बार क्या होता है जो प्रोटोस्टील है और हैप्लोस्टील्स इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, यहाँ पे पैचेस डेवलप हो जाते हैं, ऐसे पैचेस। ठीक है, और ये पैचेस क्या शो करते हैं कि जो प्रोटोजाइलम है वो आउटसाइड है और जो मेटाजाइलम है वो इनसाइड है, सेंटर की तरफ है। ठीक है, जो सिंपल प्रोटोस्टील होती है उसमें इस तरह का कोई डिस्टिंग्विश नहीं होता, वहाँ पे कंटिन्यूस जाइलम मिलेगा और कंटिन्यूस फ्लोएम मिलेगा, लेकिन हैप्लोस्टील्स में कई बार क्या होता है ऐसे पैचेस डेवलप हो जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही इसको मोनोआर्च डाईआर्च और पोलीआर्च कंडीशंस बोलते हैं यहाँ पर कई बार। लेकिन अकॉर्डिंग टू सम साइंटिस्ट जो प्रोटोस्टील है और जो हैप्लोस्टील है इसमें कोई जो है मेजर डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब जो प्रोटोस्टील है इससे ही बाकी जितनी भी सारे स्टील हैं वो इसी से ड्राइव्ड हुई हैं। तो ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है, आप समझ गए होगे इसको, सेंटर में जाइलम फॉलोड बाय फ्लोएम पेरिसाइकल एंड एंडोडर्मिस। ठीक है, यहाँ तक का जो पार्ट है इसी को हम स्टील बोलेंगे, इसके बाहर तो ये कोर्टेक्स आ गया, एपिडर्मिस आ गया। ठीक है, इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ स्टील। स्टील इज सिंपली वेस्कुलर सिस्टम जो हम प्रिमिटिव प्लांट्स के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है ना, अब देखो जो प्रोटोस्टील्स है इसी से डेराइव्ड होके बनी है नेक्स्ट जो स्टील है एक्टिनोस्टील, इट इज एक्टिनोस्टील। ठीक है, एक्टिनोस्टील है ये। अब क्या मॉडिफिकेशन हुई है इसके अंदर, देखो जो जाइलम था, जाइलम ये क्या हो गया है, रेडिएटिंग टाइप का हो गया है, यहाँ पे देखो रेज टाइप का हो गया ना, ये यहाँ पे सिंपल था, यहाँ पे इस टाइप की रेडिएशन डेवलप हो गई है। इसमें प्रोटोजाइलम यहाँ पे होगा, मेटाजाइलम सेंटर में होगा, प्रोटोजाइलम आउटसाइड पेरिफेरी साइड में और मेटाजाइलम इनसाइड में। जो फ्लोएम कंटिन्यूस था थोड़ा सा डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, देखो यहाँ पे नहीं है, फिर यहाँ पे अंदर तक है, यहाँ पे थोड़ा सा फ्लोएम है, फिर यहाँ डीपर है। ठीक है, तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आ गया किसके अंदर, जाइलम के अंदर। तो स्टील का नाम चेंज हो गया, यहाँ पर क्या होगी, एक्टिनोस्टील्स। अब जो मैंने यहाँ पे बताया था आपको प्रोटोस्टील्स और हैप्लोस्टील्स, जो हैप्लोस्टील है इसको आप इन दोनों के बीच की कंडीशन मान सकते हो, इन दोनों के बीच की कंडीशंस। लेकिन कुछ साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग प्रोटोस्टील्स और हैप्लोस्टील्स में कोई मेजर डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, आप सिंपली प्रोटोस्टील को भी हैप्लोस्टील बोल सकते हो, लेकिन जो हैप्लोस्टील है इसमें यहाँ पे मॉडिफिकेशन स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसे रेडिएशन स्टार्ट हो जाएंगे, और जब थोड़ा डिस्टिंग्विश हो जाएंगे तो इसको हम नाम दे देंगे एक्टिनोस्टील्स। अब इसके एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे देखो हैप्लोस्टील्स में मैंने बताया प्रोटोजाइलम यूजुअली आउटसाइड पिथ नहीं होती है, पिथ कंप्लीट प्रोटोस्टील में किसी भी टाइप में पिथ अब्सेंट, टोटली अब्सेंट। ठीक है, यहाँ पर मोनोआर्च डाईआर्च और पोलीआर्च ये कंडीशन मिल सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि जो पैचेज हैं वो कितने हैं, अगर सिंगल पैचेज में है प्रोटोजाइलम तो मोनोआर्च दो हैं तो डाईआर्च, और मल्टीपल हैं तो पोलीआर्च कंडीशंस। किस में मिलती है, प्रिमिटिव टेरिडोफाइट्स जैसे राइनिया है जो फोसल्स टेरिडोफाइट हैं, उसके बाद स्लेजनेला की कुछ स्पीसीज हैं जैसे स्लेजनेला क्रेशियाना, ठीक है ना, स्लेजनेला क्रेशियाना, उसके बाद स्लेजनेला स्लेजिनोइड्स। लेकिन जो स्लेजनेला स्लेजिनोइड्स है इसमें थोड़ा सा कंडीशन डिफरेंट होती है, यहाँ पर प्रोटोजाइलम इनसाइड मिलेगा,
यूजुअली हैप्लोस्टिल्स में प्रोटोजाइलम कैसा होता है, बाहर की तरफ होता है, पेरीफ्री की तरफ होता है, लेकिन जो स्लेजिनेला स्लेजिनोइड्स है यहाँ पे आपको प्रोटोजाइलम क्या मिलेगा, इनसाइड मिलेगा, इनसाइड प्रोटोजाइलम, और मेटाजाइलम आपको आउटसाइड मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टील बताई मैंने आपको, एक्टिनोस्टिल्स, जो हैप्लोस्टिल्स से ही ड्राइव्ड हुई है, इसमें एंगुलर जाइलम विद रेडिएटिंग आर्म्स विद प्रोटोजाइलम एट टिप्स, टिप्स प्रोटोजाइलम है, देखो ये टिप्स पे क्या है, ये प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम इनसाइड में है, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या है, लाइकोपोडियम, सीरेटम, शिलोटम एंड स्लेजिनेला स्लेजिनोइड्स। देखो स्लेजिनेला स्लेजिनोइड यहाँ पर भी आ गया और हैप्लोस्टिल्स में भी पढ़ा है हमने, ठीक है। तो एक्टिनोस्टिल में जो स्लेजिनेला स्लेजिनोइड्स है ये कहाँ पर मिलता है, ओनली टिप्स पोर्शन पे मिलेगा, जो यंग स्टेम होगा, जो स्टेम होगा उसकी टिप पोर्शन पे ही मिलेगा एक्टिनोस्टिल, ठीक है। बाकी पोर्शन में क्या मिलेगा आपको, हैप्लोस्टिल मिलेगा। इतना पार्ट क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था प्रोटोस्टिल से जो सिंपल थी, उसके बाद एक्टिनोस्टिल्स, हैप्लोस्टिल, इन दोनों के बीच की कंडीशंस है, या सिंपली इसको भी आप हैप्लोस्टिल बोल सकते हो। उसके बाद इसमें फर्दर इवोल्यूशन होती है। देखो यहाँ पे ये जो आर्म्स हैं, ये देखो यहाँ पे फ्लोएम ज़्यादा डीप नहीं है, ठीक है। अब ये अगर ज़्यादा डीप हो जाएगा, ये देखो डीपर हो गया ना, अब जो ये स्टील है इसको बोलेंगे स्टीलेट एक्टिनोस्टील, स्टीलेट मतलब स्टार शेप हो गया, जो जाइलम है क्या हो गया, स्टार शेप, जो फ्लोएम है वो और डीपर हो गया है, ठीक है। तो इस टाइप के स्टील को हम क्या बोलेंगे, स्टीलेट एक्टिनोस्टील। इसमें फर्दर मॉडिफिकेशन अगर हो जाती हैं, अगर ये जो जाइलम है ये ब्रेक डाउन हो जाता है ऐसे प्लेट्स की फॉर्म्स में, जैसे आपको ऐसे लगेगा जैसे एक प्लेट पे दूसरी प्लेट रखी हुई है, इसको बोलेंगे प्लेक्टोस्टील्स, जिसमें जाइलम प्लेट लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, इसको हम बोलेंगे प्लेक्टोस्टील्स। और इन प्लेट्स के बीच में जो ये डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं आपको, ये क्या है, फ्लोएम, ये सिंपली क्या है, फ्लोएम। तो यहाँ पर फ्लोएम डिसकंटिन्यूस है, यहाँ पर भी डिसकंटिन्यूस है, यहाँ पर डिसकंटिन्यूस स्टार्ट हो गया, यहाँ पर कैसा था, कंटिन्यूस फ्लोएम था। जो चेंज यहाँ से यहाँ तक आपने पढ़े हैं वो सिर्फ जाइलम में है, यहाँ पे देखो बिल्कुल सर्कुलर है, यहाँ पे रेडिएशन स्टार्ट हो गई है, यहाँ पे स्टार शेप हो गया है, यहाँ पे प्लेट लाइक स्ट्रक्चर हो गया है, ठीक है। और अगर ये जो जाइलम है ये ब्रेक डाउन हो जाए ऐसे पैचेज की फॉर्म में, बहुत सारे जाइलम के ये पैचेज हैं, ऐसा लगे कि जो जाइलम है ये फ्लोएम के अंदर धंसा हुआ है, ठीक है, क्योंकि जो ये डॉटेड डॉटेड स्ट्रक्चर हैं ये सारे क्या है, फ्लोएम, और फ्लोएम के बीच में क्या है, ये जो आपको ऐसा लग रहा है कि तैर रहा है, ये पानी में तैर रहा है, ये क्या है, जाइलम। तो अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा तो इसको बोलेंगे हम मिक्स्ड प्लेक्टोस्टील। प्लेक्टोस्टील सिंपल प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, अगर ये ब्रेक डाउन हो जाए तो मिक्स्ड प्लेक्टोस्टील्स। बाकी लेयरिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, ठीक है, वो बाहर ही रहेंगे। इतना समझ में आया, ये सारी मॉडिफिकेशन किसकी हैं, प्रोटोस्टील्स की। प्रोटोस्टील से सबसे पहले हैप्लोस्टील, हैप्लोस्टील के बाद एक्टिनोस्टील, एक्टिनोस्टील के बाद स्टीलेट एक्टिनोस्टील, जिसमें स्टार शेप हो गया, अगर प्लेट लाइक स्ट्रक्चर हो गया तो प्लेक्टोस्टील्स, और अगर ऐसे मिक्स्ड हो गया तो मिक्स्ड प्लेक्टोस्टील, ठीक है। अब इन तीनों के एग्जांपल देखते हैं। सी हेयर, एक्टिनोस्टील के हमने एग्जांपल पढ़ लिए थे, लाइकोपोडियम, स्लेजिनेला स्लेजिनोइड्स, जिसमें स्टेम की टिप पे था, उसके बाद स्टीलेट जो एक्टिनोस्टील है, जिसमें जो जाइलम है वो स्टार शेप हो जाता है, स्टार शेप, अगर ट्रांसवर्स सेक्शंस देखोगे तो कैसे दिखा जाएगा आपको, स्टार शेप। और फ्लोएम जो है वो और ज़्यादा इन्वेजिनेट कर जाती है डीपर, किसे मिलता है ये, लाइकोपोडियम एनोटियम, ठीक है, ये एक एक एग्जांपल आप याद रख लेना इनके, ये। उसके बाद जो जो प्लेक्टोस्टील है, प्लेक्टोस्टील में एग्जांपल है लाइकोपोडियम क्लेवेटम एंड लाइकोपोडियम वोल्यूबाइल, ठीक है। और जो मिक्स प्रोटोस्टील है, इसमें एग्जांपल है आपका लाइकोपोडियम सीरिनम, ठीक है, इन सबको अंडरलाइन कर लेना, ये जितने भी साइंटिफिक नेम है ऑल जो सभी हैं ये अंडरलाइन होंगे। इतना समझ में आया, ये हमने क्या पढ़ाया अभी तक, स्टील क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, तो कितने टाइप्स की होती है, प्रोटोस्टील्स, और दूसरी कौन सी है,
सिफिनोस्टील्स, ठीक है। और हमने जो डायग्राम पढ़े हैं इसमें प्रोटोस्टील सिंपलेस्ट, जो सिंपलेस्ट एंड मोस्ट प्रिमिटिव जो स्टील है, जिसमें जाइलम देखो बिल्कुल कंटिन्यूस है, फ्लोएम कंटिन्यूस है, एंडोडर्मिस सॉरी पेरिसाइकल पहले आएगा फिर एंडोडर्मिस, ठीक है। ये कोर्टेक्स एपिडर्मिस ये पार्ट नहीं है स्टील का, स्टील का पार्ट सिर्फ ये अंदर वाला पार्ट है। इसके अंदर मॉडिफिकेशन से है क्या बनी, एक्टिनोस्टील्स, जिसमें ऐसे रेडिएटिंग आर्म्स हैं और यहाँ पे टिप्स पे क्या है प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम अंदर की तरफ है, एग्जार्स कंडीशन है, ठीक है। इसमें फर्दर मॉडिफिकेशन हुई, स्टार शेप हो गया जाइलम, फ्लोएम जो है डिसकंटिन्यूस हो गया, ठीक है। यहाँ पे डिसकंटिन्यूशन स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे डिसकंटिन्यूस हो चुका है, काफ़ी डीप है ये, फ्लोएम क्या है डीप तक जा रहा है। इसको हमने क्या नाम दिया, स्टीलेट एक्टिनोस्टील, स्टार शेप, एस फोर स्टीलेट, एस फोर स्टार शेप, ठीक है। उसके बाद प्लेट लाइक हो गया ये जाइलम, जैसे प्लेट्स रखी हुई हैं एक के ऊपर एक, तो इसको हमने नाम दे दिया प्लेक्टोस्टील्स। और अगर ये ब्रेक डाउन हो गई ऐसे, ऐसे लगे जैसे फ्लोएम के अंदर ये तैर रहे हैं, जाइलम जो है ये ऐसे स्विमिंग कर रहा है, तो इसको हमने क्या नाम दिया, मिक्स्ड प्लेक्टोस्टील। तो ये एक टाइप की स्टील आपकी कंप्लीट हो गई है, प्रोटोस्टील्स। अब जो नेक्स्ट स्टील है सिफिनोस्टील्स, वो पढ़ते हैं। और जो स्पिनोस्टील है ये किससे डेराइव्ड है, ये भी प्रोटोस्टील से ही डेराइव्ड हुई है। नाउ सी,